गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ प्रिया, योर साइंस टीचर, एंड टूडे वी विल टेक द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ फ्रेंड एंड अ फो. ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है. माइक्रो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो बहुत ही छोटा, अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. उसे हम या तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू या फिर माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए यूज़फुल और कैसे हार्मफुल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल ही हों. कुछ यूज़फुल होते हैं हमारे लिए और कुछ जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 4 मेजर क्लासेस होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी. ठीक है, बैक्टीरिया जैसे आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो फिगर 2.1 से लेकर फिगर 2.4 तक जो डायग्राम दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया का डायग्राम दिया है. बैक्टीरिया किसी भी शेप का हो सकता है, रॉड शेप्ड, राउंड शेप्ड, स्पायरल शेप्ड हो सकता है. एल्गी अगर हम देखें तो 2 अलग अलग टाइप के एल्गी दिए, क्लेमाइडोमोनास जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हम फ्लैजिला कहते हैं, जिसे जो कि उसे मूवमेंट में काम आता है. स्पायरो वगैरह एल्गी देखे तो ये अलग अलग टाइप की 2 एल्गी दे रखी है. 2 अलग टाइप के प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम, और अलग अलग टाइप के फंजाई दे रखे हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, और वायरस का स्ट्रक्चर दे रखा है. एक नॉर्मल वायरस दे रखा है, कॉमन कोल्ड का वायरस, और जो दूसरा डायग्राम है जिसमें एक हेड है, एक नेक दिख रहा है आपको, फिर टेल दिख रही है, फिर लेग्स दिख रहे हैं, वो बैक्टीरियोफेज है, तो वो भी एक वायरस है जो हमें इन्फेक्ट करता है. ठीक है, अब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास में भी जैसे बैक्टीरिया, उसमें भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के. तो ज़रूरी नहीं कि बैक्टीरिया सबका सेम ही स्ट्रक्चर हो या वायरस सबका सेम ही स्ट्रक्चर हो, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है. अगली नेक्स्ट आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं वो. ठीक है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग या कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं वो. अब है नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूज़फुल साबित हो सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कर्ड फॉर्मेशन, दही जो बनता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का क्या रोल है. ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में उसका क्या यूज़ है, और वैक्सीन बनाने में कैसे इनका यूज़ होता है, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में. सबसे पहले हम देखें कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है. सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मेनली. ठीक है, तो क्या जो वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट जो हम फेंक देते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, तो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में तोड़ देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट क्या है, सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. तो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं. जैसे कुछ लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया है वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, या आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कुछ यूज़फुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, प्लांट उस नाइट्रोजन को ईजिली एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट, कर्ड फॉर्मेशन में जैसे हम दही बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं, और सुबह तक हम देखते हैं कि वो दही जम जाता है. तो इससे क्या होता है, जो हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं उसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, इसलिए जो दही हमारा है वो ओवरनाइट बन जाता है. तो जैसे बैक्टीरिया हम उसमें इनोकुलम ऐड करते हैं, हम उसे इनोकुलम होता है कि हम कोई भी दही का छोटा सा जो पार्ट है वो उसमें ऐड कर रहे हैं, वो इनोकुलम में क्या लैक्टोबैसिलस होता है, और वो क्या करता है, उस बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके उस मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है. ठीक, नेक्स्ट आता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट है. ठीक है, ईस्ट को हम यूज़ करते हैं डफ बनाने में, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें एक आटा गूंदे, उसमें शुगर मिला दें और थोड़ा सा पानी मिला के हमें आटा गूंदे और उसमें ईस्ट पाउडर मिक्स कर दें, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखें वो आटा फूल जाता है. वो किस लिए होता है, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, कि बबल्स ऑफ गैस बनने की वजह से. वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि अब गैस बनने की वजह से उसका क्या होता है, उस डफ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. इसलिए ईस्ट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसे हम ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं, जो ब्रेड में छेद होते हैं छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होते हैं, पेस्ट्रीज बनाने, केक बनाने में, ताकि वो आसानी से फूल सके. नेक्स्ट है ईस्ट हमें अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, जैसे फ्रूट जूस बनाने में यूज़ होता है. जैसे उसमें क्या होता है, ईस्ट जो फ्रूट जूसेस और शुगर वगैरह होते हैं, इसे क्या करता है, ये जो इनके अंदर जो शुगर होती है, ग्रेप्स जो होते हैं उसके अंदर शुगर होती है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. नेक्स्ट है एंटी मेडिसिनल यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स बनाने में. एंटीबायोटिक नाम से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट,
किसी के खिलाफ, और बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के को किल कर रहा है, ठीक है। फॉर दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी ग्रोथ को रोक रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक। ऐसे ही वैक्सीन काम करती है, जैसे हम कोई भी पैथोजन है, पैथोजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की जब हम वैक्सीन लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के जो पैथोजन है तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू इंजेस्ट कर दिए जाते हैं, तो हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, ठीक है। जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आएगा तो उसे मारने के लिए हमारी बॉडी के सेल्स एक्ट करेंगे, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बुखार आता है, हम कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद। दूसरे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो अगली बार जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहले से ही प्रेजेंट होंगी और इसलिए वो अपना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, इसलिए हमें उस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट है पैथोजन, मैंने बता दिया। अब कुछ डिजीज़, जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन है वो हमारी बॉडी में कैसे भी एंटर कर सकता है, ये पानी के थ्रू, हवा के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो जब इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे कॉमन कोल्ड होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये सब क्या है, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी पर्सन को है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, जैसे ही वो स्नीज करता है तो जो ड्रॉपलेट्स है वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं और कोई भी हेल्दी पर्सन है अगर वो उसे इनहेल करेगा तो वो भी उस डिजीज़ से इन्फेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैरियर। कैरियर क्या होता है, कैरियर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अ पर्टिकुलर पैथोजन को ट्रांसफ़र करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मलेरिया के केस में अगर देखें, मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल एनोफिलीज है वो उस डिजीज़ का पैथोजन नहीं है, पैथोजन क्या है, प्लाज्मोडियम। तो फीमेल एनोफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, वो मॉस्किटो जब हमें काटता है तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या हुआ, कैरियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब है उसमें उस पैथोजन का कोई असर नहीं हो रहा है, वो किस में किसको जाके इन्फेक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी में आके इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, इसमें कैरियर। ऐसे तुम्हारे बुक में पेज टेबल नंबर 2.1 दिया हुआ है कि अलग अलग डिजीज़ के बारे में ये ज़रूर पढ़ना कि किस से फैलती है, बैक्टीरिया वायरस से फैलती है, किससे, थ्रू एयर, वाटर, फूड, किसके थ्रू फैलती है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या, हमें क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कई बार हमें डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है या फिर इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, मतलब हमारे हम अच्छा फील नहीं करते, सिक फील करने लग जाते हैं, किसके वजह से होता है कि हमारे फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो इसे रोकने के लिए हम कुछ फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं फूड को ताकि वो लंबे टाइम तक फ्रेश रह सके। फॉर एग्जांपल हम सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबिसल्फेट यूज़ करते हैं अचार बनाने के लिए, तो कि तुमने देखा होगा हम ऑयल यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं या सॉल्ट का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या एक प्रिजर्वेशन मेथड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैम्स है, जेलीज है, ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए इन्हें हम शुगर से प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे हम करेला बनाते हैं तो उसे पहले काट के और नमक लगा के रखते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए। ऐसे हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल पाश्चराइजेशन होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो पाश्चराइज मिल्क होता है वो क्या है, लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है, क्योंकि पाश्चराइज मिल्क को क्या होता है, पहले सबसे पहले बॉईल किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, इससे उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, उसके बाद उसे सडनली एक लो टेम्परेचर पे चिल्ड किया जाता है ताकि उसमें फर्दर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, या फिर स्टोरेज एंड पैकिंग कर दिया जाता है एयर टाइट ताकि नाइट्रोजन से उसे हम प्रिजर्व कर देते। चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है ताकि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, पल्सेज हैं, जितनी भी पल्सेज है, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो क्योंकि सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम होता है, वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे एब्जॉर्ब करके उसे यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या अमोनिया की फॉर्म में अगर हो तो उसे भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स उसे ईजिली एब्जॉर्ब कर सकें और उसे अपने प्लांट के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उसकी सिंथेसिस में उसे यूज़ कर सके।
इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जैसे उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाती है तो सॉइल में चला जाता है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो उसे वैसे ही यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट करके, तो इसी तरह यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं उस नाइट्रोजन को, और फिर कोई दूसरा प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही नाइट्रोजन साइकिल पूरे एनवायरनमेंट में चलती रहती है, इसलिए जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है 78% वो कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, अब इस चैप्टर की जो समरी है जो वो अपनी नोटबुक में लिखे, जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो लिखे और इस चैप्टर को थॉरली रीड करें। थैंक यू वेरी मच।